सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बैलून सेलर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैलून सेलर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद उसमें आपको मैं कलरिंग करना सिखाऊंगा। सो चलिए हम बैलून सेलर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्राइंग की दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, सो आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगाएंगे। और उसे एक फेस की शेप देंगे। अभी तो मैं एक छोटा सा रफ आइडिया ले रहा हूँ कि मेरा फिगर कहाँ से कहाँ तक आएगा, उसके बाद मैं इसे थोड़ा रिफाइन करूँगा। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो इसका ये सेकेंड शोल्डर हो जाएगा, ये इस साइड राइट और लेफ्ट शोल्डर। यहाँ से हम उसकी शर्ट का एक कॉलर बनाएंगे, दूसरी साइड से भी उसका एक कॉलर बना देंगे, जो कि ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। आपने नॉर्मल देखा होगा कि इन बैलून सेलर को उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो इतने ज़्यादा फाइन नहीं होते, थोड़े शैबी से कपड़े डाले होते हैं इन्होंने। एक लॉन्ग शर्ट हो जाएगी, उसके साथ ही यहाँ से इसकी एक मैं लेफ्ट आर्म बना दूंगा। और आपने देखा होगा कि बैलून सेलर के पास एक बैग होता है जिसमें उसने एक्स्ट्रा बैलून्स रखे होते हैं, सो वो बैग मैं इस साइड इसके राइट साइड बना दूंगा कुछ ऐसे। आपको थोड़ा सा रफ ड्राइंग करना है, बाद में थोड़ी सी रिफाइन कर लेंगे हम ड्राइंग को। एक बड़ा सा बैग बनाते हैं। यहाँ पे ये हाथ उसने अपने बैग पे रखा है। इस फिगर में आपको ज्यादा डिटेल में वर्क नहीं करना है, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए, जब आप BFA के एग्जाम देंगे तब आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा, उस लिमिटेड टाइम में आपको अपना पूरा एग्जाम कवर करना है। सो आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे राधर देन कि आप उसमें डिटेल वर्क करें। आपकी फिगर स्टडी अच्छी होनी चाहिए। यहां पे मैं उसे एक धोती या लुंगी टाइप कुछ डलवा देता हूं। ये मेरा फिगर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यहाँ से शर्ट का बैक साइड का हिस्सा आ जाएगा और यहाँ पे उसकी सेकंड स्ट्रिप आ जाएगी। सो नॉर्मली आपने देखा होगा बैलून सेलर के हाथ में एक स्टिक होती है जिसमें उसमें काफी सारे बैलून रखे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साइड शोल्डर से या यहाँ से एक स्टिक बनाएंगे, यहाँ पर काफी सारे हम बैलून्स बना देंगे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे काफी सारे बैलून्स बनाते हैं और ये हैंड हम यहाँ पे कुछ ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं। ये हाथ हो गया उसका, यहां से ये थम आ जाएगा और यहां से उसने उस स्टिक को फोल्ड कर रखा है। अब देखिए ये स्टिक मैं यहां पे ऐसे बना दूंगा। चाहे थोड़ी टेढ़ी भी हो तब भी चल जाएगी, कोई ऐसा नहीं है। पहले इसके पैर बना लेते हैं। इनके पैरों में क्या होता है, एक नॉर्मल सी चप्पल होती है बस। ये स्ट्रिप्स बना दी मैंने उस चप्पल की, तो ये जो स्टिक है ये भी हमारे पैरों तक ही आएगी। सो यहाँ पे हम काफी सारे बैलून्स बना देते हैं, थोड़े
अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसके फीचर्स पे वर्क करते हैं। सो मैं इसकी जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो इरेज कर रहा हूँ। यहाँ से नाक बनाएंगे हम इसकी और यहाँ से फेस आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फेस बना सकते हैं और कोई भी हेयर स्टाइल ऐसे दे सकते हैं। मैं एक नॉर्मल सा सिंपल सा हेयर स्टाइल ऐसे दे रहा हूँ सो दैट कि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। सो आपका ये फिगर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जहाँ पे फोल्ड्स देना चाहते हैं आप थोड़े से शो कर सकते हैं। और अब इसकी इस साइड में एक बॉय या गर्ल बना देता हूँ जो कि ये बैलून सेलर से बैलून खरीद रहा है। सो सेम डेट इसकी हाफ हाइट पे हम उसे बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। सो सेम लाइक प्रीवियस एक सर्कल लेता हूँ अपने आइडिया के लिए और एक बॉक्स बना लेता हूँ कि हाँ मेरा वो बॉय या गर्ल जो भी है वो यहाँ तक होगा। आप भी पहले ऐसा आइडिया ले सकते हैं और उसके बाद अपने फिगर को रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से ये हेयर स्टाइल हो जाएगा, यहाँ से मेरे उस बॉय का थोड़ा हाफ फेस ही विजिबल हो रहा है। पहले मैं बैक कवर कर लूंगा उसकी। इस साइड से ये हाथ उस बैलून सेलर की तरफ हो जाएगा कि हाँ वो उसे बैलून की डिमांड कर रहा है। उस लड़की ने शॉर्ट्स डाली हुई है। आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा जब आप एग्ज़ाम में होंगे क्योंकि एक ही दिन में आपके तीनों एग्ज़ाम हैं। तो ये बॉय उसे थोड़े से पैसे दे रहा है कि हाँ मुझे कुछ बैलून्स दे दो, आप ऐसे कुछ शो कर सकते हैं। देन एक्स्ट्रा जो लाइंस है आप बाद में उसे इरेज कर दीजिए। अभी एक बैक साइड की लाइन लगा देता हूँ सो दैट कि हमें बेस मिल जाएगा कि कहाँ पे वो दोनों खड़े हैं। अब आप इस सीन में शो कर सकते हैं कि वो मार्केट में खड़े हैं या किसी विलेज में खड़े हैं या किसी वॉल के साथ खड़े हैं, कहीं भी वो चीज़ आप शो कर सकते हैं।
चलिए अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। कलरिंग में क्या करना है, अब हमारे यहाँ पे बैलून्स हैं, बैलून्स तो काफ़ी कलरफुल होते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इस शीट को थोड़ा सा गीला कर लेता हूँ, सो दैट कि बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट देना चाहूँगा। आप थोड़ा सा वाटर लगाइए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ऑरेंज, ऐसे ही आप ब्लू, ग्रीन थोड़ा सा दे दें आप। कुछ ऐसे आप थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट लाने के लिए अपनी शीट को पहले गीला कर लेंगे, फिर उसके बाद उसमें कलर्स को थोड़ा सा स्प्रेड करना शुरू कर देंगे। सो यहाँ पे मैं वेट ऑन वेट का यूज़ कर रहा हूँ, टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा गीले गीले में ही ज़्यादा काम करना होता है, उसी में आपको थोड़ी बहुत शेड्स दे देनी होती हैं। थोड़ा सा ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ सो दैट कि बैक साइड पे कुछ घर दिख जाएं। ऐसे ही आप ग्राउंड में भी दे सकते हैं। अभी ये मैं फर्स्ट टोन यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट टोन हमेशा आप लाइट यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मैंने ब्लू यूज़ किया, थोड़ा सा मैंने येलो ऑकर यूज़ किया, थोड़ा सा शेड वेरिएशन के लिए। अभी यहाँ पे इसकी मुझे शेडो शो करनी है, सो उसके लिए मुझे थोड़ा सा डार्क यूज़ करना होगा, शेडो ज़्यादा शार्प ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा गीले गीले में ही यूज़ कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे जो ये लड़का खड़ा है उसकी भी आप देख सकते हैं शेडो आप बनाइए, स्टिक की शेडो भी आ जाएगी। सो इस बैलून कलर को मैं थोड़ा सा ब्लू कलर दे रहा हूं इसकी शर्ट में। आप इस गीले गीले में ही थोड़ा सा कलर को यूज करेंगे। आप रैंडमली कहीं भी वाइट कलर या वाइट स्पेस नहीं छोड़ सकते। अब मुझे इस साइड से लाइट शो करनी है, तो यहां से मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूंगा इसके शोल्डर पार्ट के पास भी। अब ये जो उसने नीचे लुंगी या धोती जो भी डाली है उसमें हम थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं इसे। ये मैं थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर यूज कर रहा हूँ उसमें। थोड़ा सा मैंने येलो भी यूज किया इसमें। अभी आपको थोड़ा सा फर्स्ट टोन का सूखने का इंतज़ार करना है, तो जब तक आप क्या कर सकते हैं कि इसकी स्किन टोन दे सकते हैं। स्किन टोन के लिए मैं थोड़ा सा ऑरेंज यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इंडियन रेड मिक्स कर रहा हूँ।
ये मैंने उसके बॉडी पार्ट्स में फर्स्ट ऑन अप्लाई कर दिया है। फर्स्ट ऑन में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कलर करना है, दोनों के बॉडी पार्ट्स स्किन टोन से कवर हो गए हैं। थोड़ा सा ज्यादा कलर हो गया तो मैं यहां से थोड़ा सा रिमूव कर दूंगा उसे। इसकी सेकंड टोन हल्की सी मैं ब्राउन और ऑरेंज को मिक्स करके इसके नेक वाले पार्ट पे दे दूंगा थोड़ी सी, सो दैट कि वो थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाए वहां पर। थोड़ा आईज के पास कलर छोड़ दूंगा मैं ऐसे। अब थोड़ा सूखने का इंतजार करेंगे तो उसके बाद सेकंड टोन और थर्ड टोन अप्लाई करेंगे। हम बैकग्राउंड पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम अपने फोरग्राउंड पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि हमें बैलून सेलर और इस बॉय और बैलून्स के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन पे ज्यादा ध्यान देना है। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने बैलून्स में कलर करना। आप ये सेकंड टोन अब उसमें अप्लाई कर लेंगे। थोड़ा सा हाईलाइट छोड़ देंगे बीच में। हर एक बैलून में आप थोड़ा सा वाइट गैप छोड़ेंगे सो दैट कि बैलून थोड़े अलग अलग दिखें। कुछ रेड बैलून, ग्रीन बैलून या फिर ब्लू, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। सो बैलून में मैंने सेकंड टोन अप्लाई कर दिया है। तो अब करते हैं हम यहाँ बॉय की शॉर्ट में मैं थोड़ा सा ब्लू अप्लाई कर दूंगा, ब्लू और ग्रीन मिक्स। आप क्लोथिंग के लिए कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। चलिए अब हम काम करते हैं बैलून सेलर के फेस पे। एक साइड से थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं मैं। यहाँ पर मैंने ये सेकंड टोन अप्लाई कर दिया, साथ ही थोड़ा सा डार्कनेस दे दूंगा मैं इसमें, अपना ब्राउन मिक्स करूंगा मैं ऑरेंज में।
ब्लू के साथ जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत डार्कनेस होती है वहाँ पे मैं अभी थोड़ी सी डार्कनेस दूंगा, पूरी डार्कनेस अभी कवर नहीं करूँगा, जैसे कॉलर के नीचे होता है थोड़ा सा अंडर आर्म्स यहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस होती है, सेकेंड टोन को आप अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। सेम ऐसे ही आप इसकी ये धोती के फोल्ड्स बनाएंगे, क्योंकि आगे के इस हिस्से में हमारे पास लाइट नहीं पहुंच रही तो इस हिस्से को हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे। जब तक ये ड्राई होता है तब तक आप इस बॉय की शर्ट में काम कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी स्ट्रिप्स ड्रॉ कर दूंगा। स्ट्रिप्स के साथ साथ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी शेड भी देनी होगी। थोड़ा सा ग्रे कलर हम इसके बालों में कर लेंगे। हम ब्लैक में थोड़ा सा ब्लू मिक्स करेंगे। अब हम डार्क टोन दे रहे हैं यहाँ पे इस ग्रीन कलर की। थोड़ा सा हाईलाइट छोड़ देंगे यहाँ से, सो दैट कि दोनों लेग्स थोड़ी सेपरेट विजिबल हो हमें। स्किन टोन भी आप थोड़ी फ्लैट ही यूज करेंगे स्किन टोन।
मिक्स विथ ब्राउन, तो मेरी इस आर्म में इस हिस्से पे लाइट है और लोअर पोर्शन पे लाइट नहीं है, तो मैं लोअर पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करूँगा और ऊपर वाले पार्ट को ब्लेंड कर दूंगा थोड़ा सा। स्टिक में भी कलर कर लेते हैं। स्टिक में पहले हम एक ब्राउन टोन दे देंगे, थोड़ी सी ब्राउन और येलो की टोन मिक्स कर हम इसके थैले में मिक्स कर लेंगे जो इसने बैग पकड़ा है। इस साइड हम थोड़ा लाइट रखेंगे, साथ ही थोड़ी सी हम इसमें मिडिल टोन अप्लाई कर लेंगे। ब्राउन और डार्क रेड को मिक्स करके हम यहाँ पे इसकी इसमें फोल्ड्स फिर से बनाएंगे। ये शर्ट के नीचे वाले पार्ट में थोड़ा सा हम डार्कनेस देंगे। क्योंकि यहाँ पे इसने बैग पकड़ा है तो बैग की शेडो भी यहाँ पे हमें विजिबल होगी थोड़ी बहुत, तो ब्लू और ब्राउन को थोड़ा सा मिक्स करके यहाँ हम थोड़ी बैग की शेडो बनाएंगे इस जगह। अब थोड़े से डार्क फोल्ड्स हो जाएंगे। अब शर्ट में भी ऐसे ही करेंगे हम, जहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है डार्क शेड्स की वहाँ पर हम डार्क शेड्स देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलर के इस पॉइंट पे हमें थोड़ी सी डार्कनेस चाहिए। थोड़ी सी डार्कनेस इस साइड देंगे हम। ये अंडर आर्म और थोड़े से फोल्ड शो करेंगे यहाँ पे हम। इस को थोड़ा सा हम ब्लेंड कर देंगे और थोड़ा सा लाइन्स शो कर देंगे इसकी शर्ट पे भी।
अब थोड़े से फेस के फीचर्स बनाते हैं हम। अब थोड़ा सा यहाँ इसकी शेडो पे वर्क करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा ट्री का इफेक्ट दे देते हैं। ऐसे ब्रश को थोड़ा आला तिरछा यूज करके आप थोड़े से लीव्स का इफेक्ट दे देंगे। पहले लाइट सैप ग्रीन यूज कर रहा हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे डार्क ग्रीन को। थोड़ा बैकग्राउंड में ग्रास शो कर देते हैं। अब हम स्टिक पे काम करेंगे, इस पे स्टिक पे थोड़ा सा डार्क टोन देंगे। अब हम अपने बैलून्स में थोड़ा सी लास्ट टोन यूज करेंगे। ब्लू में आपने ब्लू लगाया, थोड़ा सा डार्क ब्लू मिक्स बस साइड में। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लेंड कर देना उसे ऐसे ग्रीन में। ग्रीन एक साइड लगाओगे, देन आफ्टर आप उसको यहाँ से ब्लेंड कर देंगे। आपको इस सीन में ज़्यादा डिटेल पे वर्क ना करते हुए बस आपको प्रोपोर्शन पे वर्क करना है, ताकि आपका जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपसे पूछा गया है वो आपके सीन में क्लियर हो। क्योंकि 1.5 आवर आपको मिलेगा, जिसमें आपको ड्राइंग भी करना है, कलरिंग भी करना है।
आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। थोड़ा सा ब्लैक और ब्राउन मिक्स करेंगे सो दैट कि हम अब थोड़ा सा हेयर में और वर्क कर लें। ब्राउन प्लस येलो ऑकर प्लस ब्लैक, अब इस बैग में थोड़ी सी डिटेल करते हैं। थोड़ी सी डार्क टोन अप्लाई कर देंगे स्किन में हम। ब्लू में थोड़ा सा आप ब्लैक मिक्स कीजिए, बहुत ही थोड़ा सा, सो दैट कि हम अपने डार्क हाइलाइट्स दे सकें। हम यहाँ इस लड़के के शूज़ के ऊपर काम करते हैं। आपको बिल्कुल डायरेक्ट ब्लैक नहीं यूज़ करना।
सो मोस्ट ओवर आपका सीन ये बैलून सेलर वाला कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपकी कोई सजेशंस हो कि सर ये वाला सीन ड्रॉ कर दीजिए तो मैं आपके लिए वो वाला सीन ड्रॉ कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा।